वेलकम टू सी एल सी जुडिशियल। यह मेंस एंड इंटरव्यू सीरीज का पार्ट 32 है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपके लिए कुछ जरूरी सूचना। हम लोग मेंस और इंटरव्यू के लिए एक स्पेशल सीरीज चला रहे हैं। अक्सर स्टूडेंट की शिकायत होती है कि मेंस में अच्छे नंबर नहीं आते, तो इनके दो तरीके। एक तो अगर आपने मेंस दिया है तो आरटीआई से अपनी कॉपी निकालिए, देखिए कहाँ गलती हो रही, उस पर विचार कीजिए। और दूसरा, आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी जितना अच्छा होगा मेंस में उतना ही अच्छे नंबर आएंगे। मेंस में काफ़ी शानदार नंबर साइंस की तरह हासिल किए जा सकते, आप अगर उन चीज़ों के बारीकियों को समझें। लॉ इज नथिंग मोर देन कॉमन सेंस। और हम लोग इसी के तहत यह एक अभियान चला रहे हैं, स्पेशल सीरीज चला रहे हैं कि आप जैसे तमाम स्टूडेंट का, बहुत सारे स्टूडेंट जो थोड़े नंबरों से चूक जाते, उनके लिए ये सीरीज हेल्पफुल हो सके। हम लोग इस सीरीज के अंतर्गत एक क्वेश्चन डीटीएस डेली टेस्ट सीरीज वीक में 3 से 5 दिन पूछते हैं अपने ग्रुप में। और अगर आप डीटीएस सर्विसेज से जुड़ना चाहते, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप इसे जुड़ना चाहते तो कमेंट सेक्शन में, कमेंट में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक कर उसमें जुड़ सकते हैं। डीटीएस में मॉर्निंग में क्वेश्चन पोस्ट किया जाता और शाम को या अगले दिन उसका एक्सप्लेनेशन यूट्यूब वीडियो से दिया जाता। दूसरा, हम लोग एक और फ्री सर्विसेज दे रहे हैं। हर संडे बिहार एपीओ का जो टारगेट बैच चल रहा है, जो अब तक पढ़ाया गया, उनसे संबंधित हर एवरी संडे एट 7 PM 50 क्वेश्चंस का एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं। सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं उसमें अधिकतर, और आप चाहें तो उस टेस्ट को आप दे सकते हैं। तो दो फ्री सर्विसेज, मेंस एंड इंटरव्यू सीरीज और वीकली टेस्ट, ये आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप चाहें तो इन सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं। जो डीटीएस में हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, एक ही टॉपिक से थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं पीटी मेंस और इंटरव्यू के लिए। डिफिकल्टी ये है कि अधिकतर स्टूडेंट कहीं से नोट्स मटेरियल ले लिया, उनका रट्टा मार लिया, समझने का प्रयास नहीं करते। और लॉ का रट्टा आप मारेंगे बगैर समझे तो फिर काफ़ी दिक्कतें होती, टाइम भी लगता है, कंसेप्ट भी नहीं बन पाता और नंबर भी अच्छे नहीं आ पाते। तो इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप रट्टा ना मारिए, इन चीज़ों को समझिए। लॉ इज नथिंग मोर देन कॉमन सेंस। तो विद दीज थिंग्स आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये पूछा गया, कल पूछा गया था इनफैक्ट, कंसर्ट बिटवीन अबेटर एंड अबेटेड पर्सन। तो इसमें आपको कंसर्ट क्या होता, मतलब आपसी बातचीत, समझौता, डिस्कशन, नेगोशिएशन। तो अबेटर और अबेटेड पर्सन के बीच में कंसर्ट नॉट नेसेसरी। तो जैसे आपने सेक्शन 45 में देखा, पहले भी क्वेश्चन पूछा था कि अबेटमेंट तीन तरीकों से हो सकता है। इंस्टिगेशन, मतलब ए ने बी को कहा किसी का मर्डर कर दो, तो डायरेक्ट इंस्टिगेशन। दूसरा, इंगेजिंग इनटू कॉन्स्पिरेसी, जिससे ये सवाल पूछा गया है, सेक्शन 46 का एक्सप्लेनेशन 5 में चर्चा करूंगा उस पर। और तीसरा, बाय इंटेंशनल लेडिंग, ए बी को पीट रहा, सी ने देखा तो ए के हाथ में चाकू थमा दिया। तो जहां तक अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन की बात है, तो अबेटर और अबेटेड पर्सन में आपस में बातचीत होगी। जहां तक अबेटमेंट बाय इंटेंशनल लेडिंग की बात है, तो अबेटर और अबेटेड पर्सन में बातचीत होगी। लेकिन इंगेजिंग इनटू कॉन्स्पिरेसी, कंस्पिरेटर्स आर एजेंट ऑफ ईच अदर, और उसको समझाया हुआ, सेक्शन 46 का एक्सप्लेनेशन 5 मैंने आपके लिए एज इट इज कॉपी पेस्ट कर रखा है यहाँ पे, और इसको मैं अंडरलाइन भी कर दूँ हाईलाइट करके रेड पेन से। तो मैं पढ़ रहा हूँ, इट इज नॉट नेसेसरी टू द कमीशन ऑफ ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी दैट द अबेटर शुड कंसर्ट द ऑफेंस विद द पर्सन हु कमिट्स इट। तो लिखा हुआ कि अबेटर और अबेटेड पर्सन के बीच
कंसर्ट होना जरूरी नहीं है, इट इज सफिशियंट इफ इंगेजेज इन द कॉन्स्पिरेसी। तो अबेटमेंट में ओनली अपॉन इंगेजमेंट इन कॉन्स्पिरेसी अबेटमेंट हो सकता, और उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ। ए अब ये जो इलस्ट्रेशन में जो दिया हुआ है इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूं और आप इसको भी समझिएगा। ए जो है बी के साथ कंसर्ट करता है कि भाई यहाँ पे ए बी के साथ कि जेड को पॉइजन दे दिया जाए, ये एग्री होता है उनके बीच कि ए जो है पॉइजन को एडमिनिस्टर करेगा जेड पे। अब बी जो है एक दूसरी कॉन्स्पिरेसी करता सी के साथ, और उसमें उस कॉन्स्पिरेसी में सी को कहता है कि भाई पॉइजन आप लोग क्योर कीजिए, लेकिन ये नहीं सी को बताया जाता है कि ये पॉइजन ए देगा। मतलब कहने का मतलब कि यहाँ पे ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में कोई कंसर्ट नहीं हुआ, ये दोनों मिल नहीं पाए। तो जो भी अबेटमेंट बाय इंगेजिंग इनटू कॉन्स्पिरेसी है, तो चूंकि कॉन्स्पिरेटर आर एजेंट ऑफ ईच अदर, ए और सी का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बेशक ना हुआ हो, उसका कॉन्टैक्ट थ्रू बी के द्वारा हुआ हो, तो उसी चीज को एक्सप्लेनेशन 5 सेक्शन 46 में समझाया हुआ कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट अबेटेड पर्सन एंड अबेटर शुड कंसर्ट सो फार एज अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी बाय अबेटमेंट बाय इंगेजिंग इनटू कॉन्स्पिरेसी इज कंसर्न। ये कॉन्स्पिरेसी का जो चैप्टर पुराने आईपीसी में बाद में ऐड किया गया, पहले क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कोई सेक्शन नहीं था, ये कॉन्स्पिरेसी वॉज वन ऑफ द स्पीसीज ऑफ अबेटमेंट। बाद में 1913 में अलग से चैप्टर ऐड करके 4A लगा के और बनाया गया चैप्टर, शायद 4A या 5A, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, देख लीजिएगा जो भी चैप्टर हो। क्वीन वर्सेज लैटिन के केस में, उसी केस में जो डिफिनीशन दिया गया वही डिफिनीशन रखा गया क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का। तो देयरफॉर इनटू दीज बैकड्रॉप्स ये जो ऑप्शन आपका है कि ऑप्शन बी ये करेक्ट आंसर है। अब मेंस पे इसी से क्वेश्चन पूछा गया है कि अनलेस देर इज कंसर्ट बिटवीन अबेटेड एंड अबेटेड पर्सन टिल देन देर कैन बी नो अबेटमेंट। तो अबेटमेंट अगर इंस्टिगेशन के द्वारा है या बाय इंटेंशनल एडिंग के द्वारा है, तो स्वाभाविक है कि अबेटर और अबेटेड पर्सन में कंसर्ट होगा, बातचीत होगी। लेकिन इसी रूल का एक्सेप्शन है अबेटमेंट बाय इंगेजिंग इनटू कॉन्स्पिरेसी। तो वही सारी चीजों को लिखिए। इंटरव्यू का क्वेश्चन कि कंसर्ट जो है अबेटर अबेट, हम लोग क्वेश्चन डीटीएस में उसी टॉपिक से एमसीक्यू, उसी टॉपिक से मेंस, उसी टॉपिक से इंटरव्यू, ये आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को डेवलप करने के लिए अलग अलग मोड में ये एक प्रैक्टिस का एक्सरसाइज है। हम लोग ने ऐसा विजन है हम लोगों का कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप जितने अलग तरह से एक्सरसाइज करेंगे कंसेप्चुअलिटी उतनी आपकी अच्छी होगी। तो इंटरव्यू में भी वही पूछा गया है कि नेसेसरी टू व्हाट इज एक्सेप्शन टू दिस रूल। तो ये हिंदी में भी क्वेश्चन है, आप इसे देख लीजिएगा। और 32 बिहार जी मेंस का रिजल्ट जल्दी आने वाला है। हम लोगों ने बिहार मॉक इंटरव्यू के दौरान बहुत सारे वीडियोज अपलोड किए हैं यूट्यूब पर, आप उस सीरीज को जाके देख जाइएगा। उसे ये पता लगता है कि एक इंटरव्यू का बेसिक क्या है, किस तरीके से एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, उससे आपको काफ़ी लाभ होगी। और जब रिजल्ट निकलेगा तो हम लोग स्पेशल बैचेज स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको ट्रेनिंग और मॉक दोनों कराया जाएगा। तो इसी के साथ यह वीडियो खत्म होता है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टिल देन बाय बाय।